हाँ जी, कैसे हैं आप सारे? आपको सोचा धन्यवाद कर दूं आपको मैं। आप मेरा इतना साथ देते हैं ना, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। 100 मिलियन से ज़्यादा का व्यूअरशिप, 2.5 मिलियन से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन। अच्छा लगेगा आपको जान के हमारा यूट्यूब चैनल आज पृथ्वी पे मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंटरप्रेन्योरियल और कॉर्पोरेट लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल हो गया है। आप जानते हैं इंडियन मेडिकल सिस्टम पर मैंने केस स्टडी बनाया था यूट्यूब का, उसका रिजल्ट आपने देख लिया नीचे ऊपर, कहीं आपने वीडियोज़ देखे। डॉक्टर्स ने मेरे खिलाफ देश भर से काफ़ी सारे लीगल नोटिस भेजे, देश भर में कई जगह एफआईआर कराने की कोशिश करी, कोर्ट में गए डॉक्टर्स मेरे खिलाफ। इन लोगों ने हमारे को फोन किए, धमकाया, हमें बोला मार देंगे, तुम्हारा ऑफिस तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, बहुत सी चीजें हुई। कोई बात नहीं, मैं अपने वीडियोस बनाने में लगा रहा, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में लगा रहा, मैं अपने प्रोग्राम्स में लगा रहा। बहरहाल बात कोर्ट तक पहुंची। आपको खुशखबरी दे दें, कोर्ट ने इस मैटर को एक्सेप्ट नहीं किया, कोर्ट ने इस मैटर को इनिशिएट ही नहीं किया, कोर्ट ने इस मैटर को रिजेक्ट कर दिया। आपको पता होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाकी सारी उनकी जितनी लोकल एसोसिएशन है वो मुझसे बुरा मान गए। वीडियो तो आपने देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। एक ऐसा ही मूवी आई थी अक्षय कुमार की, गब्बर इज बैक, उसके खिलाफ इन्होंने 5 करोड़ का नोटिस भेजा, मुझसे इतना ज़्यादा बुरा मान गए कि मेरे खिलाफ 50 करोड़ का नोटिस भेज दिया। उनको लगा कि शायद डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इम्पैक्ट इतना बढ़ गया है, अक्षय कुमार से भी ज़्यादा हो गया 10 गुना, तो 50 करोड़ का नोटिस भेजा। देखिए सर, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप क्यों मुझसे नाराज़ हो रहे हैं? मैं तो एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर के ऊपर आवाज़ उठाई थी। डॉक्टर्स से कौन परेशान है? कोई, मैं डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हूं। मैंने तो डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी, अरविंद आई केयर, उनकी तारीफ करी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तारीफ करी, पद्मश्री डॉक्टर देवी शेट्टी की तारीफ करी। इनफैक्ट आप देखिए दिल्ली में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, कितने गरीबों का इलाज करवाता है, बहुत गरीबों का इलाज करता है। इनफैक्ट इस वीडियो के बाद तो बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे लीडरशिप फनल में आए, वो आकर के हमारे प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं और मानते हैं कि मैं डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं मैल प्रैक्टिस के खिलाफ हूं और अननेसेसरी ओवरचार्जिंग के खिलाफ हूं। तो मैंने अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एक बार और कम ऑन, क्या अफोर्डेबल हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर पे मैंने आवाज उठाई। जब इन्होंने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस करने के प्रयास किए तो मैं अपने काम में वापस लग गया। हम वेट करना चाहते थे कि ऑनरेबल कोर्ट का, जज साहब का क्या वर्डिक्ट है। बहरहाल ये मेरे सामने मोबाइल पे खुला हुआ है, मेरे पास भेजा गया है साकेत कोर्ट के मजिस्ट्रेट, उन्होंने 16 पेज की रिपोर्ट फाइल करी, बहुत लंबी रिपोर्ट है उनकी। मैं उसमें से 30वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो समरी है वो बता देता हूं। कंसीडरिंग द लॉ एंड फैक्ट्स डिस्कस्ड अबव, I find no sufficient ground to proceed the present complaint and the same is dismissed under section 203 of CRPC. File be consigned to record room for due compliance. Honorable court ने पूरा केस ही dismiss कर दिया, इनफैक्ट केस शुरू ही नहीं हुआ। और वो जो 50 करोड़ का इन्होंने defamation भेजा, मैंने उसका reply दिया, वहां भी केस शुरू नहीं हुआ। जज साहब ने एक रामायण का प्रसंग भी लिखा, हमें बहुत अच्छा लगा, सम्मान करते हैं उनका। उन्होंने लिखा कि आप कहते हैं ये नोबल प्रोफेशन है, उन्होंने क्या लिखा, रावण भी बहुत लर्निड स्कॉलर था, रावण ने भी बहुत पढ़ाई करी, बहुत विद्वान था, लेकिन ये रावण नहीं डिसाइड करेगा कि उसका प्रोफेशन नोबल था कि नहीं था, उसकी रेपुटेशन जनता डिसाइड करती है। इनफैक्ट बस आप सबको बताना चाहता था कि आपके प्रेम के कारण, कृष्ण का आशीर्वाद और भगवत गीता की शक्ति, हमारे खिलाफ कोई केस टिक ही नहीं सका, कोर्ट में मामला टिकता ही नहीं था, हम पहले ही जानते थे। वीडियो के अंदर जो भी हमने बोला उसके सारे प्रूफ, उसके सारे फैक्ट, उसकी फिगर, उसके डेटा हमारे पास मौजूद हैं। जो हमने बोला वो सब कुछ सच था। हाँ, बस ये है कि मेरी टोन शायद थोड़ी कड़वी थी जिसके कारण डॉक्टर लोग बुरा मान गए। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपको मेरी बात से बुरा लगा, मैं क्षमा एक्चुअली पहले भी मांग सकता था, पर ये जो आपने 50 करोड़ की डिमांड रख दी थी ना मुझसे, इसलिए मैंने सोचा आप क्षमा नहीं मांगते हैं, पहले कोर्ट को डिसाइड करने देते हैं। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, केस टिकता ही नहीं, रिजेक्ट हो गया इनका केस, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब मैं वापस आके सारे डॉक्टर्स को बोलता हूं, सबसे प्रेम पूर्वक, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, मेरा मुद्दा अफोर्डेबल हेल्थ केयर का है। मेरा मुद्दा यह है कि एक पेशेंट से ज्यादा पैसा लेने के बजाय 100 पेशेंट के लिए ऐसी सर्विस क्रिएट कर दें जिससे हमारी कॉस्ट पर पेशेंट घट जाए और जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी अपने आप आ जाए। देखिए मेरा कहना इतना ही तो है कि डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी, अरविंद आई केयर के, जिन्होंने $2000 का इलाज, जो आंखों का ऑपरेशन US में होता है, उसको $10-20 पे ले आए, उसकी कॉस्ट को घटा के, क्योंकि उन्होंने स्केल अप कर दिया सारे मेथड को। इतने सारे गरीब जनता है, अगर सबके लिए हम सर्विस कर सकें तो स्केलेबिलिटी आ जाती है। एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर बंसल, ये जो फरीदाबाद में मेट्रो हॉस्पिटल है, अभी क्या किया, 103 साल के एक स्वामी सज्जन, सन्यासी पुरुष, जिनका उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट किया, 103 साल के, और वो भी क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इनके पास भी मैं कई बार अपने पेशेंट रेफर करता हूँ, ये लोग जाते हैं। लंदन में एक पेशेंट थे जो हर डॉक्टर बोल रहा था कि इनका ओपन हार्ट होगा, बाईपास होगा, ओपन हार्ट होगा, बाईपास होगा। अब वो इतने सीनियर पेशेंट, इतने ओवर एजेड पेशेंट जो लंदन में थे, उनके पास वहाँ पे फ्री में इलाज करने की सुविधा थी, लेकिन वो इनके पास वापस आए, डॉक्टर बंसल के पास इंडिया में, और इन्होंने कहा आपको ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास की कोई जरूरत नहीं, स्टंट डालूंगा, काम हो जाएगा। सफलतापूर्वक काम भी हो गया। अच्छे डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, हम चाहते हैं उनके
प्रति आपका विश्वास बने, लेकिन मैं अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए आवाज उठाई थी। एक्चुअली आप बुरा क्यों मान रहे हैं? आप डॉक्टर देवी शेट्टी के इंटरव्यूज उठाइए, मैंने खुद पढ़े अपनी आंखों से, मैंने खुद देखा उनके इंटरव्यूज में, सुना है कि जो 10 साल पहले 15 साल पहले 20 साल पहले जो हार्ट ऑपरेशन की कॉस्ट होती थी, वो आज भी वही कॉस्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है। पूछा उनसे आप कैसे कर लेते हैं, बोला स्केल अप कर दिया, बोला ज्यादा ऑपरेशन करते हैं, कॉस्ट पर ऑपरेशन घटाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी, हमने दवाइयों वालों के साथ नेगोशिएट किया, बहुत सारे प्रोसेस को हमने ऐसा बिल्ड किया जिससे कॉस्ट पर ऑपरेशन घट गया। ठीक है, आप डॉक्टर्स हैं, ठीक बात है, लेकिन आपकी रेपुटेशन जनता डिसाइड करेगी। एक्चुअली ये वीडियो मैंने वायरल नहीं किया, ये वीडियो जनता ने वायरल किया था। अगर देश की जनता को बात छू गई तो उन्होंने उस वीडियो को सब जगह फैला दिया, शेयर किया, इसीलिए आप लोग को तकलीफ आई। और हाँ, मैं समराइज करना चाहूंगा, आपने मुझसे बोला था, आपने हमारे ऑफिस में फोन किया सब डॉक्टर्स ने कि भाई माफी मांगनी पड़ेगी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो 50 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे जाके कोर्ट में, उसे कोर्ट तक घसीटेंगे, उसको खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उसको माफी मांगनी पड़ेगी, बोलो उसे माफी मांगो। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, माफी मांग लेते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक माफी मांग लेते हैं, आपको हमारी बात बुरी लगी। देखिए, पर एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप बढ़िया डॉक्टर हैं तो आपको मेरी बात बुरी लगी नहीं सकती, क्योंकि आप तो मेरे पार्टनर हैं और आप मेरे साथ ही मेहनत कर रहे हैं इस मिशन में। अगर आप ईमानदार डॉक्टर हैं ना, तो फिर तो आपको बुरा लगेगा ही नहीं, आपको बुरा मानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप ईमानदार हैं और मैंने आपके खिलाफ तो कुछ बोला ही नहीं। लेकिन अगर आप बेईमान डॉक्टर हैं तो फिर आपके पास बुरा मानने का अधिकार ही नहीं, फिर आप किस बात के लिए बुरा मान रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन एक बात है, सारे मेहनत करने वाले सिंसियर उन डॉक्टर्स का जो पेशेंट के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उन डॉक्टर्स का जो पेशेंट का खून मल मूत्र उनकी हड्डियां उनका क्या क्या साफ करते हैं, उन डॉक्टर्स का जो रात को 2-2 बजे तक बैठ के हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन डॉक्टर्स के लिए जो रात को 2 बजे भी फोन उठाते हैं और पेशेंट के लिए अवेलेबल रहते हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहता हूं देश की जनता का कि ऐसे डॉक्टर्स का और सम्मान बढ़ना चाहिए। और बाकी डॉक्टर्स जो उसको प्रैक्टिस नहीं करते, उनसे सिंपल रिक्वेस्ट है, स्केलेबल मॉडल को समझिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। और हां, बाकी सारी जनता से देश की मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे मुद्दों पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आवाज उठानी चाहिए? मुझे आज आपका फीडबैक चाहिए, क्या अपना फीडबैक देना चाहेंगे? मुझे आपका फीडबैक चाहिए, क्या ऐसे मुद्दों पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को और आवाज उठानी चाहिए? और वैसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को तो जरूर लाइक करिएगा, जितने ज्यादा लाइक करेंगे मुझे पता लगेगा उतने ज्यादा लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ रहने के लिए, हमारे साथ हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और इस जीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। प्रेम पूर्वक आप सबका हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।